लखीमपुर पुलिस ने बीते दिन पुलिस के साथ हुई मारपीट के 8 नाम दर्ज और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है। बता दें कि पुलिस को 17 मई को काशीपुर के गड्ढा कॉलोनी में 2 समुदाय के बीच विवाद की सूचना मिली थी, जिसके सूचना पर प्रतापपुर चौकी के सिपाही नरेंद्र मेहता होमगार्ड के साथ मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने सिपाही नरेंद्र मेहता को घेर लिया और जमकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें सिपाही नरेंद्र मेहता चोटिल हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी और पूछताछ के लिए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के साथ हो रही मारपीट की स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। वीडियो के आधार पर पुलिस ने सिपाही के साथ मारपीट कर रहे 8 नाम दर्ज और 1 दर्जन से अधिक अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके चलते पुलिस ने छानबीन करते हुए आसिम, फैजान, भूरी और मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पुलिस ने न्यायालय भेज दिया है। एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि फरार आरोपियों के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल जो ये काशीपुर थाने के अंतर्गत गड्ढा कॉलोनी में हमारे कांस्टेबल के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला आया था, उस पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था, जिसमें 4 लोग हमने अरेस्ट कर लिए हैं। बाकी के जो 4 लोग हैं 8 नामजद में से, उनके खिलाफ उनकी पकड़ धकड़ के लिए हमारी 2 टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र ही उनको भी हम लोग गिरफ्तार करें। पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस इसमें बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है सभी मामलों में। इस मामले में भी हम काफ़ी प्रोसेस में कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हमारे पुलिस कर्मियों को भी हमने कहा है कि कहीं कोई सूचना आती है तो उसमें रेस्पॉन्स थाना लेवल पर तो अधिक फोर्स के साथ किया जाए, और लोगों को भी इस संबंध में जब कठोर कार्रवाई होगी तो समझ में आएगा कि जो सरकारी कार्य में जो भी कोई भी किसी भी विभाग का कर्मचारी यदि सरकारी कार्य कर रहा है तो उसमें बाधा पैदा ना करें और इस प्रकार के मारपीट के कृत्य ना करें।